योगी सरकार ने अपराध मुक्त प्रदेश अभियान के तहत माफियाओं और गैंगस्टर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। बीते सवा साल में सरकार ने 25 बड़े माफिया गिरोह समेत प्रदेश के छोटे बड़े 22,259 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए 5,558 मुकदमे दर्ज किए और 11,24,23,57,886 रुपए की संपत्ति जब्त की। प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई में जहां माफिया गिरोहों में दहशत का माहौल है, तो दूसरी तरफ अन्य राजनीतिक दलों के लिए यह एक ऐसी लकीर है जिसे छोटी कर पाना शायद किसी के लिए संभव ना हो। योगी सरकार ने बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी का गिरोह लगभग खत्म कर दिया है। आजमगढ़, मऊ, वाराणसी समेत पूर्वांचल के अन्य जनपदों में मुख्तार गैंग के 244 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1,94,82,67,859 रुपए की संपत्तियां या तो जब्त कर ली गई या तो फिर उसे ध्वस्त कर दिया गया। मुख्तार गैंग के 58 अपराधी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 122 असलहों की लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। 110 बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर, 30 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 6 पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। मुख्तार खुद इस समय बांदा जेल में बंद है। कुख्यात अतीक अहमद का भी नेटवर्क सरकार ने तोड़ा है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और इसके नवासी गुर्गों पर कार्रवाई करते हुए अब तक 3,25,87,00,000 रुपये की संपत्तियाँ ध्वस्त या जब्त की गई है। साबरमती जेल में बंद अतीक गैंग के 7 सदस्यों के असलहे निरस्त किए गए। गैंग के खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज कर 9 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 11 गुर्गों के खिलाफ गुंडा एक्ट और 1 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है।